कुल्लू महाविद्यालय में एसएफआई द्वारा रोष रैली निकाली गई और महाविद्यालय परिसर में एसएफआई द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय एसएफआई कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनीत दंटा ने कहा कि एसएफआई द्वारा पूरे देश भर में अखिल भारतीय जत्था कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से 15 सितम्बर तक पूरे देश भर में एसएफआई द्वारा शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे से 5 भागों में विभिन्न महाविद्यालयों में धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति गैर लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति में ना तो शिक्षाविदों की राय ली गई और ना लोकतांत्रिक तरीके से सदन के पटल पर रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की एजेंडा पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति को देश के युवाओं पर जबरन थोपा जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से सिलेबस में परिवर्तन किया जा रहा है और सावरकर जैसे व्यक्ति को वीर बनाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार शिक्षा का व्यापारीकरण तो कर ही रही है और साथ ही शिक्षा का भगवाकरण भी किया जा रहा है। भाई अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर एसएफआई ने ऑल इंडिया के अंदर जो है एक अखिल भारतीय जत्था लॉन्च किया है। ये जत्था 1 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। ये देश के अलग अलग हिस्सों में 5 भागों में ये जत्था बांटा गया है और इस जत्थे के अंदर जो हमारा स्लोगन है वो है शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। इस लड़ाई के साथ की शिक्षा जो है आने वाले समय के अंदर जो नई शिक्षा नीति गैर लोकतांत्रिक तरीके से जबरन जो हिंदुस्तान के ऊपर थोपी गई है भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा, जिस शिक्षा नीति के अंदर ना शिक्षाविदों का कोई उनकी राय ली गई और ना ही लोकतांत्रिक तरीके से सदन के पटल पर उसको रखा गया और बिल्कुल अपना एजेंडा पूरा करने के लिए आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने उस नई शिक्षा नीति को जबरन देश पर थोपा है, उसका नतीजा ये आने वाले समय के अंदर होगा कि आने वाले समय के अंदर जिस आदमी के पास पैसा नहीं होगा वो आदमी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार का मतलब है बोलने का कि जिसके पास पैसा है वो आदमी आके अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जिसका पैसा नहीं है उसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि शिक्षा का जो सिलेबस लगातार चेंज किया जा रहा है और सिलेबस के अंदर उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सावरकर जैसे आदमी को वीर बनाने की कोशिश जबरदस्त की जा रही है। मतलब नई शिक्षा नीति के माध्यम से बाजारीकरण तो शिक्षा का हो ही रहा है, निजीकरण तो हो ही रहा है, साथ में जो है भगवाकरण की एक बड़ी मुहिम नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार कर रही है। इन जत्थों के माध्यम से जो पूरे 1.5 महीने जो जत्थे चलने हैं देश के अलग अलग कोनों में, इसके माध्यम से हम अलग अलग जगह पर जाकर छात्रों का समर्थन जुटा रहे हैं और इस समर्थन के साथ हम आने वाले समय के अंदर नई शिक्षा नीति के खिलाफ, शिक्षा के भगवाकरण, निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ जो है एक बड़ी लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ेंगे। खामियों की बात अगर आप बात करें तो नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट जिस तरह से तैयार किया गया है उसके अंदर शिक्षा को जो है खुले बाजार की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। आज के बाद एक छात्र जो है छात्र की नजर से नहीं देखा जाएगा, सरकार उसके ऊपर जो इन्वेस्ट नहीं करेगी और उसके ऊपर जो सरकार की जिम्मेवारी थी उसे भागती हुई नजर आएगी। सरकार कह रही है कि एक छात्र जो आने वाले टाइम में ग्राहक बनेगा और गली गली और मोहल्ले पर जो नुक्कड़ पर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगी और जो अभी के हमारे कॉलेज है, उदाहरण के तौर पर आज हम कुल्लू कॉलेज पहुंचे हैं, इस कुल्लू कॉलेज के अंदर आने वाले समय के अंदर ऑटोनॉमी के नाम पर इसको छूट दी जाएगी कि ये आने वाले समय के अंदर अपने फाइनेंसिस जो है खुद मैनेज करेगा। सरकार ग्रांट नहीं देगी इस कॉलेज को और सरकार जब ग्रांट नहीं देगी तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो यूजी की जो फीस है वो 2500-3000 रुपए है, वो आने वाले टाइम में 50-40 हजार रुपए भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है और इस जो बहुत सारे लोग गरीब किसान परिवार का जो बच्चा है उसकी शिक्षा छूट जाएगी और वो शिक्षा का सपना नहीं देख पाएगा। क्या लगता है बेरोजगारी ले जा रही है और सरकार जो अभी कह रही है कि हम आने वाले समय के अंदर जो है इसके अंदर इस नई शिक्षा नीति के अंदर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर और बहुत सारे कोर्स सरकार करवा रही है, अच्छी बात है करवाइए, पर उन लोगों के लिए जो जिन लोगों को आप ये कोर्सेज करवा रहे हैं उन लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तो सृजित कीजिए, वो सरकार नहीं कर रही। आप देखिए बेरोजगारी का आंकड़ा, हिमाचल के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगारी लगातार जो है आसमान पर जा रही है और सरकार जो है बिल्कुल भी रोजगार देने में कामयाब नहीं है और एक पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के माध्यम से आने वाले समय के अंदर नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो है सरकार लगातार शिक्षा जो है खत्म जब कर देगी, शिक्षा को जो है सरकारी क्षेत्र में नहीं बचेगी तो आने वाले समय के अंदर आपको प्राइवेट शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी और वही आदमी कर पाएगा जिसके जेब में पैसा होगा।